हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिटनेस विद अर्चु में और मैं हूं आरती। आज हम बनाने जा रहे हैं एंटी व्रिंकल फेस क्रीम। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं अपनी एंटी व्रिंकल फेस क्रीम। यहां पर हमने लिए हैं 10 से 12 काले अंगूर और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अंगूर में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारे चेहरे के व्रिंकल्स को बहुत कम करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और टैनिंग को भी बहुत तेजी से रिमूव करता है। यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ग्रेप्स को जब हम चेहरे पर लगाते हैं तो ये हमारी डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है और हमारी स्किन में व्रिंकल्स तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ग्रेप्स की स्किन बेनिफिटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंगूर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और अब हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम एक बाउल में 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना होममेड एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है जिसके वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखें। इसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, आप चाहें तो आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने अपना तैयार किया हुआ 2 टेबलस्पून लिक्विड लिया है। इसमें हमने 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल मिलाया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिला सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर विटामिन ई की एक कैप्सूल ली है, आप चाहें तो 4-5 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से 7-8 मिनट्स के लिए हल्के हाथों से मिक्स करना है। हम इस मिक्सचर को एक स्टरलाइज्ड बॉटल में या कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और हमारी इस क्रीम को हम 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक फ्रीज में बहुत अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं।